भुवनेश्वर में और उड़ीसा में 10 इंस्टीट्यूट्स को आइडेंटिफाई किया है। IIT भुवनेश्वर इसको कोऑर्डिनेट कर रही है और RI भुवनेश्वर को भी ये जिम्मेदारी दी गई है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, इस बार हमारे प्रधानमंत्री जी इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं, भारत को इसकी अध्यक्षता दी गई है। एक साल तक हम प्रोग्राम करते रहेंगे और इन्होंने 4 बड़ी मीटिंग्स एजुकेशन डिपार्टमेंट ने आयोजित करने का किया है, उसमें 2 ऑलरेडी हो चुकी हैं, तीसरी भुवनेश्वर में होने वाली है 26, 27, 28, 29 अप्रैल के आसपास। तो उसके लिए एंकर इंस्टीट्यूट्स को 1 अप्रैल से, जो उत्कल दिवस था, उस दिन से कुछ प्रोग्राम्स इनिशिएट करने के लिए बोला गया और हर एक दिन कुछ ना कुछ एक्टिविटी हम कर रहे हैं। 1 से लेकर 22 तक हम एक्टिविटीज़ करेंगे। 3 डिस्ट्रिक्ट हमें दिए गए हैं, केंद्रापाड़ा, जगत सिंहपुर और जादपुर। वहाँ पर भी हमने 1 तारीख से एक्टिविटीज़ शुरू किए हैं। वहाँ पर डाइट्स में, KVs में, JNVs में अलग अलग इंस्टीट्यूट्स काम कर रही हैं। BO, ABO, BO, DO, इन सब से हम कांटेक्ट में हैं। वेबिनार्स भी हमने किए हैं। पहले तारीख को, 1st को हमने प्रभात फेरी से इसका आयोजन स्टार्ट किया। हमारे यहाँ की कोऑर्डिनेटिंग टीम 3 डिस्ट्रिक्ट्स में भी गई हुई थी और दूसरे दिन हमने फिर योगा रखा, तीसरे दिन एक वेबिनार रखी और कल हमारा एक प्रोग्राम था जिसमें स्वच्छता का काम किया, आज हम प्लांटेशन करेंगे। इस तरह से हर दिन हमने कोई ना कोई एक्टिविटी बना रखी है और हम ये जो एक्टिविटी है, जनभागीदारी एक्टिविटी है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम इसमें जोड़ रहे हैं और उन डिस्ट्रिक्ट्स में भी ने काफ़ी लोगों को जोड़ा है। इसको हम काफ़ी पब्लिसाइज कर रहे हैं, हमारे स्टूडेंट्स भी इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हमारी फैकल्टी भी इसमें लगी हुई है और हम चाहते हैं कि जो अवसर हमें मिला है, इस इंस्टीट्यूट को मिला है, उड़ीसा को मिला है, उसको हम सबके लिए यादगार बनाएं और जो लक्ष्य हैं, जो उद्देश्य हैं G20 के, सब लोग उनसे परिचित हों और सबकी भागीदारीता इसमें हम सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा जो उत्कल दिवस ठीक जो कार्यक्रम सब आरंभ कराई, आज जो ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम अच्छे आमर एटी, ता सहित आमर जो जाजपुर, केन्द्रापड़ा, जगत सिंहपुर जो जिला प्रशिक्षण संस्थान, ITI, पॉलिटेक्निक, जनशिक्षण संस्थान एवं विभिन्न विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय सबुठी आज ट्री प्लांटेशन अच्छी, किसी किसी इंस्टीट्यूशन में एसए कंपिटिशन चली आज एवं ये 22 तारीख पर्यटन जो कार्यक्रम अच्छी आमर साइक्लोथन अच्छी, साइक्लोथन परे परे अन्य कार्यक्रम जमी एसए कंपिटिशन, डिबेट, मॉक जीट 20 स्कूल रे जो ये सब आयोजन करा सहित आमर ये आंचलिक शिक्षा प्रतिष्ठान को आमर जो थीम दि जाए हूँ मौलिक साक्षरता और संख्या ज्ञान बा जो फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी। ये फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी विषय में आम 3 तारीख दिन गोटे नेशनल वेबिनार कराइला वेबिनारे 350 अधिक जो प्रिंसिपल, टीचर्स, टीचर एडुकेटर्स आउ स्टूडेंट्स जॉइन करते आम एमती आउ 2-3 वेबिनार और कन्फरेन्स आम आयोजन करूँ जो थीम दि जाए फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी इन द ब्लेंडेड परस्पेक्टिव आम से थीम को कवर करके जो प्रोग्राम गुडा करूँ। ता सहित ये प्रोग्राम गोटे मुख्य जो रोचे कंपोनेंट जो मिलेट जो फूड फेस्टिवल आम से फूड फेस्टिवल अन्य इंस्टीट्यूशन कले आम भी सेमती करने आम प्लानिंग करें 14 कि 15 तारीख भितर से चाहूँ और पूरा 22 तारीख पर्यटन जो कार्यक्रम तरह आम लिस्ट करके IIT को देचु और से कार्यक्रम चली डिस्ट्रिक्ट आम देखुचे पूरा जो केन्द्र विद्यालय, नवोदय और अन्य डाएट अन्य इंस्टीट्यूशन पूरा भागीदारी पूरा रोचे और पेरेन्ट्स कम्युनिटी भी ये भाग नौ।